रहीम, मैं अपने पाकिस्तान के तमाम जो ज़िम्मेदार भाई हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम ये साहिवाल से पाकिस्तान जा रहे थे, रास्ते में हम ये गुजरे तो ये हमारे कुछ ज़िम्मेदार भाई हैं। आपका क्या नाम है? इंतजार साहब। थोड़ा क्या नाम है? जवार। ये यासीन साहब, जवार साहब, यासिन और इंतज़ार साहब, ये दानेदार मकई को दानेदार का वो कर रहे थे, इसमें ग्रैनुलर एप्लीकेशन कर रहे थे, तो ये इंतहाई गलत तरीके से ज़िम्मेदार, ये क्या करते हैं कि ये इन्होंने इस तरीके से ये दानेदार ये सब की है और ये सिर्फ हाथ में कैसे कर रहे थे आप जी? ऐसे लगा जी, ये इस तरीके से हाथ कर रहे थे, जो इंतहाई गलत तरीका है। इस तरीके से ये होता है कि आपको पता है कि ये जो दानेदार है इंतहाई जहरीली चीज़ है। अभी तो चलो हवा चल रही है या कुछ, मतलब मौसम ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, अगर ये मौसम गर्म होता या हवा ना चल रही होती तो ये बंदे अब तक खुदा न खास्ता इनको लॉस हो सकता था। तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश ये है और मेरी आपके जो इनसे भी गुजारिश है और जो पाकिस्तान में जो दूसरे हमारे सुनने मतलब सुनने वाले भाई हैं, जब दानेदार का इस्तेमाल करना है तो आपने क्या करना है, नंबर एक तो आपने पूरा उसको मास्क डालना है, आपने पूरा मुंह को छुपाना है और फिर आपने ये जो आपने हाथों के ऊपर भी दस्ताने लेने हैं, दस्ताने और फिर आपने ये कहना है कि दस्ताने लेके हाथों के और हवा के दूसरे रुख और रुख में आपने ये इस तरीके से दानेदार इसमें डाली है, क्योंकि आपको मेरे चीज़ों आपको नहीं पता कि इससे कैंसर होते हो जाती है बंदे को। ये जो दवाइयाँ होती हैं ना, ये सारी जितनी दवाइयाँ कैंसर काज करती हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके छोटे छोटे बच्चे आपके यतीम हो जाएं? नहीं, कभी नहीं चाहते। तो फिर आप ऐसे क्यों करते हो? मेहरबानी करो, खुदा का अपना अपने एहसान करो, बच्चे आपकी अभी उम्र छोटी है, आपने आगे जाना है, तो ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह, सब के लिए नुकसानदेह है। तो लिहाजा मेरी ज़िम्मेदार भाई से गुजारिश ही है, इनसे भी गुजारिश ये है और पाकिस्तान में जो दूसरे सुनने वाले हैं उनसे भी गुजारिश ये है कि जब आपने दानेदार का इस्तेमाल करना है तो आपने इस तरीके से नहीं करना कि अपना वो जान पे नहीं आपने खेलना। ठीक है जी, मेरी गुजारिश समझा दी, थैंक यू वेरी मच, और मैं यकीन करूँगा कि आप इस तरीके से अंदर करेंगे। जी मेरे, आपने हाथों पर दस्ताने चढ़ाने हैं, मुँह के ऊपर मास्क लेना है और जब आपने ये करना है तो आपने कोई सिगरेट वगैरह नहीं पीना, लेकिन और हवा के आपने उल्टा नहीं चलना, जिस तरह हवा चलती उस तरफ आपने चलते रहना। जी थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।